या हमारे निर्भया का नाम हर जगह पार्लियामेंट में जब केस होता था हर चैनल पे हर जगह उठाया जाता है, लेकिन फांसी की बात नहीं होती है। सात साल पहले घटना हुई, उसके बाद लगातार इतना घटनाएं हुई और जिस तरह से वो जिस हालात में हमें वो मिली थी या हमें हॉस्पिटल में देखी थी, मैं खून से लथपथ उसका शरीर था, सांसें तो चल रही थी, जैसे लगता था कि किसी जानवरों के पास से वो आई हो, कोई अंग ऐसा नहीं था कि उसका कटा ना हो। और सबसे दुख की बात ये है, कभी नहीं भूलती है कि वो जो भी 10 दिन 11 दिन 12 दिन जिंदा थी, लेकिन बच्ची जिंदा तो थी लेकिन एक बूंद पानी के लिए तरसते चली गई। इन्होंने ऐसा उसके साथ बर्बरता की थी कि उसके जो अंग थे वो अंदरूनी हिस्सा उसको निकाल के फेंक दिया था, तो एक बूंद पानी नहीं दिया जा सकता था उसको। तो मुझे ये चीज नहीं जीने देती है, अपने ही घर में मैं रह नहीं पाती हूँ कि मैं उसको बचा तो नहीं पाई लेकिन जीते जी बच्ची एक बूंद पानी मांगती रही लेकिन हमने नहीं दे पाए, तो ये दुख मुझे हमेशा रहता है। वो दुख मुझे आज कचोटता है कि इतना बड़ा क्राइम हुआ, आज भी उसको सजा दिलाने के उनको सजा दिलाने के लिए हमें इतना संघर्ष कर रही हूँ और मुझे 7 साल बाद मुजरिम के वकील चैलेंज कर रहा है कि नहीं मैं अनंत काल तक फांसी नहीं होने दूंगा, हमारा सरकार हमारा सिस्टम उनके आगे हाथ जोड़ के मजबूर है कि हम कानून से बंधे हैं। मैं कहती हूँ कि ये कानून किसने बनाया है? सरकारें बनाती हैं, पार्लियामेंट बनाता है, राज्यसभा बनाती है, तो इसको ये लोग बदलते क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं इनका मंशा है कि नहीं बच्चियों के साथ बलात्कार होता रहेगा, मुजरिम जेल में रहते रहेंगे, ये ह्यूमन राइट वाले बचाते रहेंगे। तो मुझे सबसे ज़रूरी है कि अगर कुछ बदलना है समाज को या सिस्टम को तो सबसे पहले हमारा कानून बदले। निर्भया के जाने के बाद तो हमारी ज़िंदगी नरक बन गई है। उसके जाने के बाद हमारे 2 बच्चे थे, उससे छोटे थे, सबसे बड़ी बेटी थी, हमने कभी उनको इतना समय नहीं दिया जितना हमने इस केस को लड़ने में दिया। कंटिन्यू इस केस को लड़ी, हमारे घर में परिवार में शादियां पड़ी फंक्शन पड़े हम नहीं गए कि नहीं मुझे मेरे बेटी को इंसाफ चाहिए। अब मैंने कानून का राह दिखाया गया, मैंने कानून के साथ लड़ी, लेकिन मैं इस कानून के साथ आज इतना मजाक बन के रह गई हूँ कि जिस कोर्ट में मैं 1 साल से पटियाला कोर्ट हाउस में 1 साल से लड़ रही हूँ कि नहीं इनको जो भी रेमेडी है ये पूरा करे या इनको डेट वारंट जारी हो, उस कोर्ट में मुझे मजाक बनाया गया। और कोर्ट में चाहे हमको रूल दिखाया जाता कि हम कोर्ट में नहीं बोल सकते, लेकिन मुजरिमों का वकील हमें चैलेंज करके जाता है कि इस फांसी को अनंत काल तक होने नहीं दे। तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है। हमको पता है कि हम उनको फांसी हो जाएगी, सजा हो जाएगी, फिर भी हमारी बेटी वापस नहीं आएगी। लेकिन मेरा मानना है कि और बच्चियों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए इस सिस्टम को ठीक होना होगा। जब हमारी बच्चियां मरती हैं, हजारों के तादाद में मर गई, हजारों के साथ क्राइम हुआ, कोई गिनती नहीं किया, और एक केस में सिर्फ इनको फांसी की सजा डेट डाली गई, तो पूरा एक तबका खड़ा हो गया कि नहीं ये यंग है, इनका ह्यूमन राइट, महिलाएं कोर्ट में खड़ा होकर बहस करती हैं कि इनका ह्यूमन राइट है, ये यंग है। क्या बच्ची यंग नहीं थी? वो भी 23 साल की थी, पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, उसका भी तो ह्यूमन राइट था। तो कहीं ना कहीं ये जो हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की मानसिकता चेंज हो, तो सबसे ज़रूरी है कि जो ऐसे लोग हैं इनकी मानसिकता चेंज हो, तभी हम सोच सकते हैं कि नहीं हमारी बच्चियाँ सुरक्षित होंगी। तो मेरा मानना है कि जो इनकाउंटर हुआ बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि इन जैसे ये दरिंदे हैं इनकी कोई भी सजा
इनके गुनाह से कम है। लेकिन मेरा कहना है कि जो सजा संविधान में है, फांसी की सजा है, तो तत्काल इनको होनी चाहिए, एक समय निर्धारित के तहत होनी चाहिए। मैं तो आज एक मुजरिम की तरह बैठ गई हूँ। आज कभी कहीं फोटो देख रहे हैं तो देख रहे होंगे, चारों हैं तो कहीं मैं बेबस खड़ी हूँ कि नहीं इनको सजा दो। तो कहीं ना कहीं सजा तो हमें मिली है। मेरा को क्या गुनाह था, मैं उनके लिए सजा मांग रही हूँ। मुझे तो सजा मिली है कि मैं कभी जब तक जीऊँगी तब तक इसको महसूस करूँगी। अब तक तो मैंने नहीं कहा, 7 साल से मैं नहीं कही, चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ती रही। लेकिन जब उनकी फांसी की सजा का डेट आ गया, जब हमारे राज्य सरकार के वकील जाके वहाँ कह रहे हैं कि नहीं उनको फांसी तो नहीं हो सकती, और उस वक्त कह रहे हैं कि जिस वक्त एक मुजरिम अर्जी लगाया है कि इस फांसी को रद्द किया जाए, तो कहीं ना कहीं उस वक्त इन्होंने मुजरिम का सपोर्ट किया, तब हमें लगा कि नहीं, हाँ हमारे बच्चे के मौत के साथ पॉलिटिक्स हो रहा। आगे भी मैं, और भी बच्चियाँ हमसे मिलती हैं, और भी केसे हैं, आगे भी मैं इसके लिए लड़ते रहूँगी। मैं अगर आवाज़ उठाई है तो इस क्राइम के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाऊँगी।